तो दोस्तों, हिंदी बेल्ट में चिंगेज के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल करने के बाद अब बंगाल टाइगर यानी कि भैया जीत जो है वो अब अपनी अगली कहानी को सिनेमा घरों में लेकर आने वाले हैं मानुष के माध्यम से, जिसको लेकर ये खबर हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो भाई कैसा है जीत की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया मानुष का ये टीजर, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिएक्शन के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, आप लोगों को याद ही होगा कि भैया इससे पहले बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि भैया जीत ने जब अपनी आने वाली फिल्म चिंगेज को लेकर घोषणा की थी कि भैया उनकी ये फिल्म सलमान खान की आने वाली मच अवेटेड फिल्म किसी का भाई किसी की जान के साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएगा भैया ईद के मौके पर, तो भैया इस खबर को सुनते ही कई लोग ये बात कह रहे थे जीत को लेकर कि भैया ये तो सुसाइडल अटेम्प्ट है मेरे भाई। जब सलमान खान की फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है और उस फिल्म के सामने बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार अपनी फिल्मों को पीछे लेकर हट रहे हैं, तो भैया ये बंगाल टाइगर बॉलीवुड के असली टाइगर से भिड़ने की कोशिश क्यों कर रहा है। तो भैया उस वक्त जीत ने इस सवाल का जवाब किसी को नहीं दिया, बस उन्होंने कहा कि भाई वेट एंड वॉच, जीत को आने दो बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद देखते हैं कि जीत किसकी होती है। और भाई कम स्क्रीन के माध्यम से सिनेमा घरों में रिलीज होने के बावजूद भी, क्योंकि भाई किसी का भाई किसी की जान का जो दबदबा था उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही जबरदस्त था, और ये बात हम लोग जानते थे कि भैया जीत चाहे जितना भी जोर लगा ले भैया दबंग खान के दबदबे के आगे उनको ज्यादा स्क्रीन नहीं मिलेगा, लेकिन कम स्क्रीन के माध्यम से भी सिनेमा घरों में रिलीज होने के बाद जीत ने वो जादू चलाया था बॉक्स ऑफिस पर जिसकी चर्चा हो रही थी पूरे इंडिया में। यानी कि भैया चिंगेज ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जबरदस्त मुकाबला दिया था टाइगर खान की फिल्म यानी कि भैया किसी का भाई किसी की जान को। तो भाई वहां से जो पावर मिला था ना भाई जीत को, उसके बाद से जीत को भी इस बात का एहसास हो गया था कि भाई वो किसी भी जंग को जीत सकते हैं, बस उनको हौसले के साथ आगे बढ़ना होगा हिंदी मार्केट में। और भाई उसी फलसफे पर काम करते हुए जीत जो है वो अपनी अगली फिल्म मानुष को भी फाइनली हिंदी लैंग्वेज में सिनेमा घरों में रिलीज करने जा रहे हैं। और भाई उनके इस फिल्म का एक शानदार टीजर आज जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भैया, जिसको देखने के बाद ऑडियंस ये बात कह रही है कि भाई आप भले ही बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री को इग्नोर कर सकते हो लेकिन आप जीत को इग्नोर नहीं कर सकते। और भाई वाकई में जीत की आने वाली इस फिल्म का टीजर भी बहुत ही शानदार है, बहुत ही पावरफुल है भाई, इसमें जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलता है और एक बेहतरीन कहानी का आभास भी ये फिल्म देती जा रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से आपको जबरदस्त मेकिंग तो देखने को मिलेगा ही, उसके साथ आपको इस फिल्म में एक जबरदस्त कहानी भी देखने को मिलेगी। यानी कि भैया इस टीजर के माध्यम से ये बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि भैया इस फिल्म के माध्यम से एक आम इंसान की कहानी को लेकर आ रहे हैं भाई जीत। तो दोस्तों वाकई में टीजर तो मुझे काफी पसंद आया, फिल्म का मेकिंग भी काफी शानदार है और भाई हमेशा की तरह जीत इस फिल्म में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ये फिल्म नवंबर के महीने में 24 तारीख को सिनेमा घरों में रिलीज हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के बाद जरूर बताइएगा कि आपको जीत की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया मानुष का कितनी बेताबी से इंतजार है, क्योंकि भाई ये फिल्म हिंदी बेल्ट में भी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यानी कि भैया इस बार जीत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है मेरे भाई, यानी कि भैया उन्होंने जो झटका खाया था दबंग खान से जब उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, तो भैया वो झटका इस बात का नहीं था कि भैया किसी का भाई किसी की जान के सामने चिंगेज नहीं चल पाई थी, वो झटका ये था कि भैया जीत की उस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिले थे। और भाई इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीत ने इस बार ये बात कही कि भैया नहीं, हम टाइगर के पार्ट थर्ड के साथ बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला नहीं करेंगे, हम अपनी फिल्म को एक ऐसी डेट पर सिनेमा घर में रिलीज करेंगे जहां पर भैया हमसे मुकाबला करने के लिए ज्यादा फिल्में हो ही ना और मेरी फिल्म ऑडियंस तक डायरेक्ट पहुंचे। तो दोस्तों
आप अपने कमेंट के बातों में बताइएगा कि भैया इस बार जीत जीतेंगे या फिर लोगों के दिलों को जीत कर और ज्यादा बड़ा जीत हासिल करेंगे, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी वॉरेन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।